काम हुए हैं उनकी उपलब्धियों को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये प्रण लिया गया है जब तक मोदी सरकार इन किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक पूरे देश के कोने कोने का किसान चुपचाप नहीं बैठने वाला है। और ये तीनों कानून वापस लेंगे तभी जाके हम चुप बैठने वाले हैं। आज कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर तीनों कानूनों को संशोधित करते हुए किसानों के हित में जो कानून बनाए हैं उसको लेकर भी आज पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा की गई। आज उन तीनों कानूनों से किसानों के हित में फायदा होगा, लेकिन मोदी जी ने जो तीन कानून बनाए हैं उनसे पूरे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति ही नहीं उनकी कमर टूटने वाली है। इसी वजह से आज किसान सड़कों पर है, उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम गांव-गांव डांडी डांडी तक पहुंचेगा। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर आज दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में हमारे साथ में विधायक, सांसद एवं जिला प्रमुख भी मौजूद रही। हम बात करना चाहेंगे जिलाध्यक्ष से, किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या कुछ कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए। नगर परिषद के चुनाव के लिए बैठक रखी गई है, इस बैठक के अंदर हम आवेदन ले रहे हैं और जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसको जांच पड़ताल करके कमेटी बनी है, कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उपयुक्त उम्मीदवार को हम टिकट देंगे। हम बिल्कुल सोच समझ के टिकट देंगे जो इस बार नगर परिषद के हम सभापति बने। पिछली बार जो हालात रहे थे और 16 कांग्रेस के पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ सभापति नहीं बन पाया था, इस बार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हम उसी उम्मीदवार को टिकट देंगे जो हमारी शर्तों को मानेगा और हमारे साथ रहेगा, हम उसी उम्मीदवार को।